हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत का सबसे पवित्र पर्व, सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती से संबंधित एक छोटी सी वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 9500 प्लस पोस्ट पर भर्ती सितंबर में आ जाएगी, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए। कुछ चीज़ों से बचाकर अपने आप को काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए। इस बार अच्छी खासी कंपटीशन भी देखने को आपको मिलेगी, इसलिए निरंतर कंटिन्यू इस समय प्रयास पे लग जाइए। अगला 15 अगस्त आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, हो सकता है आप परेड ग्राउंड में रहें, तो इसी जुनून को आप बनाएं और अपनी सफलता की ओर बढ़ें। मैं इस वीडियो में कोई शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोग को थोड़ा सा सही दिशा देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कंटिन्यू लगातार आप लोग को सही दिशा हम देते गए हैं। सबसे पहले हम ही ने बताया था कि 9500 प्लस भर्ती आएगी, तो उस समय काफ़ी गलत कमेंट भी आए थे, मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों। लेकिन आपने देखा कि कुछ लोग ने बोला भी था कि 9494 मतलब 9494 पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने उनसे स्पष्ट कहा था कि 9500 प्लस पोस्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अब अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि आपकी जो पोस्टों की संख्या है 9500 प्लस आ रही है, तो अब लग जाओ दोस्तों। कुछ लोग एज को लेकर बात करते हैं, तो देखिए टेंडर के नोटिस में स्पष्ट थोड़ा सा ये बातें कही गई है दोस्तों। एज पर अभी हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा डायरेक्शन देना चाहेंगे। टेंडर में कहीं कहा गया है कि 2019 का टेंडर है, तो हो सकता है एज 2019 से काउंट हो, लेकिन टेंडर के ही नोटिस में जो अभी 9500 प्लस भर्ती पर आई है नोटिस, उसमें स्पष्ट ये भी कहा गया है कि ये जो भर्तियाँ हैं 2017, 2018, 2019 में जो अभी रिक्त पद थे उन पर भी भर्तियां हो रही हैं, उन्हीं सबको मिलाकर इतना ज़्यादा भर्ती आया है। तो हो सकता है आप लोग को एज में रिलैक्सेशन मिले जो 2017, 2018, 2019 में शामिल हो सकते थे, लेकिन अभी ये ऑफिशियली नहीं है, इस पर बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद है 5 सितंबर के बाद आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर के बाद आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, हो सकता है आज के एक महीने बाद आप फॉर्म भर चुके रहें, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं बहुत दिनों बाद भर्ती आ रही है, अगर एक बार चली गई तो हो सकता है आपका एज समाप्त हो जाए। तो लगातार खूब कंटिन्यू मेहनत करें, कोई भी प्रॉब्लम होता है हमसे कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आज सबसे पवित्र पर्व है, आसपास आप जहाँ भी तिरंगा फहरता देखें उसे सलामी जरूर ठोकें, इसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व फील होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है और हर धर्म इसे मिलकर मनाता है, तो आप भी इस पर लगें और अपने सिलेक्शन की सुनिश्चित करें।